खबर मंदसौर से। मंदसौर जिले में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि होने से हजारों किसानों की फसल चौपट हो गई। किसानों ने सरकार से मांगी है मदद। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि मंदसौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि होने के कारण लाखों किसानों की फसल चौपट हो गई, जो कि इस समय किसानों की फसल पककर तैयार हो गई थी, जिसे कुछ दिनों के बाद ही किसान अपने घर ले जाने वाले थे। ऐसे में नेचर ने अपना मिजाज दिखाया, जिसके कारण लाखों किसानों के मुंह का निवाला छिनने के बराबर साबित होता दिखाई दे रहा है। बेमौसम बारिश की वजह से खासकर अफीम, इसबगोल, अलसी, गेहूं, मेथी, चना आदि फसलों में काफी नुकसान देखा जा रहा है। अभी जो बेमौसम बारिश जो हुई है, उस बारिश की वजह से फसलें पूरी तरह चौपट हो गई है। पूरा धुलवा क्षेत्र में आसपास के करीब 100 गांवों के समाचार है हमारे पास। किसानों के फोन आ रहे हैं कि इस बारिश की वजह से बहुत फसलों में नुकसान हुआ है। खास करके इसबगोल की फसल तो पूरी तरह 0% पे आ गई है, क्योंकि वो तो पूरी तरह गल करके ना नीचे गिर जाती है। तो इसबगोल की फसल में तो 100% नुकसान है। इसके साथ ही गेहूँ में भारी नुकसान है, अलसी के अंदर भारी नुकसान है, चना और मसूर के अंदर भी भारी नुकसान हुआ है। और इस क्षेत्र के अंदर एक और फसल है जो अफीम की फसल, इस क्षेत्र के किसान करते हैं, उस फसल के अंदर भी भारी नुकसान हुआ है। अभी ओले भी गिरे हैं, पानी भी गिरा है, जो फसलें कटी हुई थी उनमें भी भारी नुकसान है। अफीम में इस वक्त चीरे भी चल रहे हैं। चीरा जो लगता है, तो चीरा लगता है, दिन में चीरा लगाने का काम होता है और दूसरे दिन उसमें उस अफीम को लोने का काम किया जाता है। तो वो तो पानी के अंदर धुल चुका है, तो किसान कैसे औसत पूरी करेगा, क्योंकि उसको तो अफीम तो धुल चुकी है पूरी तरह। तो ये जो नुकसान जो होता है, इसकी भरपाई किसान कहाँ से करेगा।